अरे तुम तो पोल्यूशन की वजह से पूरी काली हो चुकी हो। तुमसे तो अच्छी हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, तुम्हारे पास क्या? मेरे पास शुद्ध शांति, शुद्ध वातावरण, शुद्ध जल और शुद्ध वायु है। कम से कम तुम्हारी तरह ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन तो नहीं है। हमने पिछले 5-4 साल में इतनी तरक्की की है, तुमने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। लोग मुझसे प्रेम करते थे, मेरे पर्यावरण को बचाते थे, पर आज का मनुष्य पेड़ पौधों को काट रहा है। और ये कौन है और इसे क्या हुआ है? मैं 2050 की पृथ्वी हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हो गया। अरे इसे क्या हो गया? अरे मैं मर नहीं सकती, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं गलती हूँ, मैं तुम्हारे सांसों का आधार हूँ। तो सुनो, सबसे पहले पेड़ है मेरी शान, यही है प्रकृति का सम्मान। सबसे पहले तुमने पेड़ों को काटकर किया मेरा अपमान। हाँ भाई, बात तो सच है, दत्ती का गहना था पेड़, हमने उसे भी काट दिया, अपने मतलब के लिए माँ का गहना गवा दिया। मनुष्य ये नहीं जानता अगर वो पेड़ काट कर ले जाएगा तो गर्मी में छाया कहाँ से पाएगा, कहाँ से पाएगा, कहाँ से पाएगा? नहीं नहीं, अब और नहीं, पेड़ नहीं हम काटेंगे, धरती के वृक्षों की रक्षा का संकल्प धारेंगे। कार्बन की चट्टानें बन जाती हैं जिससे वायुमंडल को सबसे ज्यादा खतरा होता है। भाई मैंने सुना है कि दुनिया के महासागर में 170 ट्रिलियन प्लास्टिक जमा हो गया है, अगर इसको नहीं